हाय एवरीवन, वेलकम टू फ्लेवर्स लैब। होप यू आर डूइंग वेल। आज मैं आपके साथ मटन की एक ऐसी चटपटी और मज़ेदार रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो ना ही सिर्फ खाने में मज़ेदार है बल्कि फटाफट से तैयार हो जाती है, और वो है चटनी मटन। आप जिसको भी बनाकर चटनी मटन खिलाएंगे तो वो आपकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाएगा, और क्योंकि इसमें बहुत कम स्पाइसेस जाते हैं इसलिए ये आसानी से तैयार हो जाती है और इसमें टाइम भी बहुत कम लगता है। तो चलिए देख लेते हैं उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। मैंने यहाँ पर 1/2 kg मटन लिया है, उसको वॉश करके एक साइड रख देते हैं। और ये मैंने 3 teaspoon कर्ड ली है, 2 teaspoon पॉपी सीड लिए हैं खसखस, और 10-12 रेड होल चिली ली हैं, 3 teaspoon ज़ीरा लिया है, और ये 3 गुच्छियाँ लहसुन की ली हैं। लहसुन को हमें अलग पीस कर रख लेना है, और पॉपी सीड को हम अलग पीसेंगे ड्राई, रेड चिली को भी हम ड्राई पीस लेंगे, और ज़ीरे को भी हम ड्राई पीस लेंगे। ये सारी चीज़ें हमें अलग अलग पीसनी हैं। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने कुकिंग प्रोसेस की तरफ। तो चलिए अब हम इनको कर लेते हैं ग्राइंड। मटन चटनी बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक कुकर लिया है, और इसमें अब ऐड करेंगे ऑयल, कोई भी कुकिंग ऑयल जो आप लोग यूज़ करते हैं वो ले सकते हैं। तकरीबन 4 tablespoon के बराबर मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है। देखिए व्यूअर्स, ऑयल अब गर्म हो चुका है, हम इसमें डाल देंगे ये मटन। और इसको करेंगे मिक्स, और हम इसमें डाल देंगे 1 teaspoon सॉल्ट। इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि इसकी मटन की जो रॉ स्मेल होती है वो निकल जाए। अब हम इसके ऊपर डालेंगे ये लहसुन का पेस्ट, इसको भी अच्छी तरह डालकर मिक्स करेंगे पहले, और इसको भून लेंगे। ये देखिए 1 से 2 मिनट हमने इसको भून लेना है। अब इसके ऊपर डालेंगे हम ये ज़ीरा जो हमने ड्राई पाउडर बनाया है, इसके बाद रेड चिली का जो हमने पेस्ट बनाया है ये इसमें डाल देंगे, 3 teaspoon हम डाल देंगे, और इसको कर देते हैं मिक्स। एक चीज़ हमें यहाँ पर इसमें ऐड और करनी है, और वो है फूड कलर। दिस इज़ टोटली ऑप्शनल। अगर आप चाहते हैं कि हमारी जो ग्रेवी है वो थोड़ी कलरफुल सी आए तो इसमें हम ऑरेंज फूड कलर ऐड करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, ये फूड कलर है, थोड़ा सा फूड कलर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, इससे इसका कलर जो है वो बहुत प्यारा सा आ जाएगा। और अब कर देते हैं इसको मिक्स। अगर आपको फूड कलर नहीं डालना है तो इसमें आप कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। ये देखिए मसाला थोड़ा थोड़ा भुनने लगा है, बट हमें इसे अभी कम्प्लीट नहीं भूनना है, हम इसमें पानी डालेंगे और मटन को कुक होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए व्यूअर्स, 1 glass पानी इसमें डाल देंगे और इसको कर देंगे मिक्स ताकि मटन अच्छे से कुक हो जाए। ये देखिए कुकर को अब लिड से कवर कर देते हैं। अब इसमें आने देते हैं 6 से 7 whistle, और इसको रख देते हैं मीडियम फ्लेम पर। 6-7 whistle अब आ चुकी हैं, और अब हम इसको ओपन करके देख लेते हैं कि हमारा जो मटन है वो कितना कुक हो चुका है। ये देखिए व्यूअर्स, इधर बहुत अच्छे से कुक हो चुका है ये, और हम इसको चेक कर लेते हैं इसके पीसेस अच्छे से कुक हुए हैं। देखें हाँ, ये इस तरह ये अलग हो रहा है हड्डी से, ये कुक हो चुका है, और अब हमें इसको भून लेना है अच्छे से। देखिए व्यूअर्स, अब हम इसमें ऐड करेंगे ये कर्ड। ये देखिए सारी कर्ड हम इसमें ऐड कर देंगे, और इसके ऊपर डाल देते हैं हम ये खसखस पाउडर जो हमने तैयार किया था ड्राई, और अब कर देंगे इन सबको मिक्स। बस अब ये अच्छे से भुन जाएगा। ये देखिए बहुत अच्छा इसका कलर भी आ गया है, लाइट ऑरेंज कलर का। थोड़ी देर इसको कर देते हैं लिड से कवर। अब इसको ओपन करके चेक कर लेते हैं। इसको चला देंगे एक बार, इसकी खुशबू और इसका कलर, यकीनन जायका भी इसका बहुत उम्दा होगा। तो आप इस तरह से ज़रूर घर में बना कर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। आप जब बनाएं तो इसको यहीं पर चेक कर लीजिएगा, इसमें अभी हम नमक और मिर्च ऐड कर सकते हैं, मेरे लिए एकदम परफेक्ट है। देखिए व्यूअर्स, मैंने ये कुकर से एक पैन में ट्रांसफ़र कर लिया है ताकि आप लोग अच्छे से इसको देख पाएँ। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार बना है, तो इस तरह आप ज़रूर बनाइएगा। ये देखिए व्यूअर्स, ये भुन चुका है, अब टाइम है इसको प्लेट आउट करने का। चलिए फ्लेम को कर देते हैं बंद, और अब इसको कर लेते हैं डिश आउट। उम्मीद करती हूँ मेरी ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते रहेंगे हम अपनी इसी तरह की मज़ेदार मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ।
तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, टेक केयर योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग फ्लेवर्स लैब।